बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, यकीनन वो बड़ा गफूरुर रहीम है। और पलट आओ अपने रब की तरफ और उसके फरमाबरदार बन जाओ कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। और पैरवी इख्तियार करो इस बेहतरीन किताब की जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल की गई कबल इसके कि तुम पर कोई अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें उसकी खबर ना हो। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई ये कहे, हाय अफसोस मेरी उस कोताही पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में शामिल रहा। या ये कहे कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकीन में से होता। या फिर अजाब देख कर कहे कि काश मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं भी नेकोकारों में से हो जाऊं। बल्कि यकीनन मेरी आयात तेरे पास आती थीं, मगर तूने उन्हें झुठलाया और तकब्बुर किया, और तू था ही काफिरों में से। और कयामत के दिन तुम देखोगे जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा उनके चेहरे सियाह होंगे। क्या जहन्नम ही ठिकाना नहीं है मुनकरीन का? और अल्लाह निजात देगा उन लोगों को कामयाबी के साथ जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, ना उन लोगों को वहाँ कोई दुख पहुँचेगा और ना ही वो कभी गमगीन होंगे।